हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमहा FZX 150 के बारे में, जो रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई थी और अभी ये बाइक यमहा के शोरूम्स में आ चुकी है। अभी शोरूम में इस बाइक के तीनों कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आज की वीडियो में हम इस बाइक का डिटेल रिव्यू करेंगे और इस बाइक की सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, क्या इस बाइक का प्राइस है, कैसे इस बाइक की फीचर्स हैं। लेकिन दोस्तों, टेस्ट राइड्स अभी अवेलेबल नहीं है, सो अभी इस बाइक का हम वॉक अराउंड रिव्यू ही बना सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यमहा FZX एक रेट्रो स्टाइल वाली कंफर्टेबल मशीन है, जो यमहा की ही FZS V3 पे बेस्ड है। सो FZS V3 किसी भी रीजन की वजह से लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो अभी यमहा ने 150cc में एक और ऑप्शन लॉन्च कर दिया है, जो एक टिपिकल रेट्रो स्टाइल वाली बाइक है। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। FZX के अंदर दो वेरिएंट्स हैं, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,16,800 और ब्लूटूथ वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,19,800। FZX का ऑनरोड प्राइस 1,35,000 से लेके 1,40,000 के आसपास ही रहेगा और ऑनरोड प्राइस हर सिटी का अलग रहता है, इसीलिए ये प्राइस आपको 1,35,000 से लेके 1,45,000 के बीच में देखने को मिलेगा। और कलर्स के बारे में अगर बात करें तो यमहा ने इस बाइक को तीन कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, जिसमें फर्स्ट कलर ऑप्शन है मैट कॉपर, सेकेंड है मैट ब्लैक, थर्ड है मेटेलिक ब्लू। मैट कॉपर और मैट ब्लैक के अंदर मैट फिनिश है और मेटेलिक ब्लू काफी शाइनी कलर ऑप्शन है। अगर आपको मैट फिनिशिंग ज्यादा अच्छी लगती है तो फिर आप मैट कॉपर या फिर मैट ब्लैक ले सकते हो, और अगर आपको शाइनी कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं तो फिर आप मेटेलिक ब्लू को परचेज कर सकते हो। तीनों कलर ऑप्शंस में रिम्स के ऊपर बाइक के सेम कलर की लाइंस हैं, जिनकी वजह से इस बाइक के लुक्स काफी एनहेंस हो रहे हैं। और दोस्तों, इस बाइक की एक और अच्छी बात यह है कि इस बाइक के अंदर साइड पैनल्स हैं, जिनको हम टैंक शाउट्स भी कह सकते हैं। FZX के सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला इस बाइक का बेस्ट पार्ट ये है कि ये बाइक बहुत कंफर्टेबल मशीन है, क्योंकि इस बाइक के अंदर टेक एंड रोल टाइप की सीट है, जो कि एक सिंगल सीट है, और इस बाइक की सीट की कुशनिंग भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से इस बाइक के साथ हम शॉर्ट राइड, लॉन्ग राइड कर सकते हैं और साथ ही थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक के अंदर ड्यूअल पर्पज टायर्स हैं, जिनकी वजह से इस बाइक के साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी की जा सकती है। सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में ये बाइक चलाने के लिए कंफर्टेबल है और साथ ही ये बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल है। अगर आप हमेशा एक पिलियन के साथ राइड करते हो तो फिर ये बाइक कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। और दोस्तों, इस बाइक का सेकंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की माइलेज काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यमहा FZS V3 की माइलेज भी काफी अच्छी है, सो वैसी ही माइलेज हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो इस बाइक के अंदर आपको 45-50 KMPL की माइलेज आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की, सो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद इस बाइक को आप 450 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक आराम से लेके जा सकते हो। सो माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक बहुत अच्छी है। और इस बाइक का थर्ड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के लुक्स काफी अच्छे हैं। दोस्तों, करंटली इंडियन टूलर मार्केट के अंदर रेट्रो स्टाइल वाली बाइक्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन लोअर सेगमेंट के अंदर इंडियन टूलर मार्केट में कोई भी रेट्रो स्टाइल बाइक नहीं थी, लेकिन यमहा ने इस सेगमेंट के अंदर भी एक रेट्रो स्टाइल बाइक लॉन्च कर दी है, जिसकी इंडियन टूलर मार्केट को काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों इस बाइक का फ्रंट लुक, साइड प्रोफाइल और टेल सेक्शन, ओवरऑल इस बाइक के लुक्स काफी अच्छे हैं। 150-160cc सेगमेंट के अंदर आपको ऐसी इंडियन टूलर मार्केट में कोई भी बाइक देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, फोर्थ इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छी है, क्योंकि इस बाइक के अंदर FZS V3 वाला सेम इंजन है, सो इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट और इंजन ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। बाकी दोस्तों, इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर FZS V3 वाला 149cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 12.4 PS, मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस सेगमेंट के अंदर इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस सेगमेंट के हिसाब से इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ी सी कम है। लेकिन दोस्तों, इस बाइक का एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका वेट काफी कम है। इस बाइक का वेट है 139 kg। सेगमेंट के हिसाब से बाइक काफी लाइट वेट मशीन है, जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशो काफी अच्छा है, क्योंकि FZS V3 के जैसे ही इस बाइक के अंदर हमें इनिशियल पिकअप काफी अच्छा देखने को मिलेगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इस बाइक के अंदर हमें काफी डिसेंट देखने को मिलने वाली है। इस बाइक की सीट हाइट है 810 mm। अगर आपकी हाइट 5'3" से कम है तो फिर आप इस बाइक को नहीं लेना, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अवेंजर 160। जिन लोगों की हाइट 5'3" और उससे ज्यादा है, उन लोगों के लिए ये बाइक काफी कंफर्टेबल मशीन है और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। दोस्तों, बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है, जिसके अंदर फ्रंट में 41 mm के कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं
और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशोक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 282 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। दोस्तों ये इस बाइक का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है। यमहा इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS भी दे सकती थी, ड्यूअल चैनल ABS का एक ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। सो दोस्तों इस बाइक के अंदर MT15 की जैसे ही LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है, जिसकी नाइट विजिबिलिटी कैसी होगी ये तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इस बाइक के रिव्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे तब इस बाइक की नाइट राइडिंग क्वालिटी का भी हमें पता चल जाएगा। प्रोजेक्टर LED हेडलाइट के साथ साथ इस बाइक के अंदर LED DRLs भी हैं, और इस बाइक के अंदर ओवरऑल जो LED हेडलाइट और LED DRLs का सेटअप है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। इस बाइक की हेडलाइट का डिजाइन काफी यूनिक है और दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों इन पर्सन देखने में ये बाइक काफी अच्छी लग रही है। जब ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी तब काफी लोगों का ऐसा मानना था कि ये बाइक होंडा नवी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन पर्सन देखने में ये बाइक काफी अच्छी लग रही है और एक मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। फ्रंट में LED हेडलाइट सेटअप के साथ साथ इस बाइक के अंदर रियर में काफी अच्छी लुकिंग LED टेल लाइट भी है। दोस्तों इस बाइक की टेल लाइट का डिजाइन भी काफी अच्छा है, लेकिन इस बाइक के रियर सेक्शन में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इस बाइक का पिलियन ग्रैब रेल देखने में उतना अच्छा नहीं है। यमहा इस बाइक के पिलियन ग्रैब रेल को थोड़ा और अच्छा बना सकती थी, क्योंकि पिलियन ग्रैब रेल की वजह से इस बाइक का रियर सेक्शन देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों इस बाइक की LED हेडलाइट देखने में काफी अच्छी है। और बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LCD फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी एक ऑप्शन है, जिसको हम यामाहा की मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नीचे एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, जो इस सेगमेंट में आपको और किसी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप के थ्रू इस बाइक को मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लास्ट पार्किंग पोजीशन, कॉलिंग अलर्ट, SMS अलर्ट, कनेक्शन स्टेटस, मोबाइल बैटरी स्टेटस, राइडिंग स्टेट्स। सो दोस्तों यामाहा FGX के अंदर सबसे बेस्ट कंपोनेंट है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्योंकि करंटली सभी कंपनी अपनी बाइक्स के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दे रही हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इस बाइक के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर नहीं है, जो हमें एक्सपल्स 200 और 200T में देखने को मिलता है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/60 सेक्शन का रियर टायर है। और दोस्तों इस बाइक के अंदर रियर में रेडियल टायर दिया गया है, और फ्रंट और रियर में दोनों सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, जो कि MRF के टायर हैं। यामाहा ने इस बाइक के अंदर स्पेसिफिकली ड्यूअल पर्पज टायर्स दिए हैं, जिनकी वजह से इस बाइक के साथ हम थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी है, जो रिसेंटली ही यामाहा ने MT15 और R15 V3 के अंदर दिया था। सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स यामाहा की न्यूली लॉन्च्ड बाइक FGX के बारे में। इस बाइक के तीनों कलर ऑप्शंस आपके सामने हैं, और दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक 150cc सेगमेंट के अंदर एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जिन लोगों की सबसे मेन प्रायोरिटी है कम्फर्ट, माइलेज, इंजन रिफाइनमेंट और इंजन ड्यूरेबिलिटी, उन लोगों को डेफिनेटली इस बाइक के लिए जाना चाहिए। और साथ ही यामाहा ने इस बाइक के अंदर फीचर्स भी काफी अच्छे दिए हैं, और साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स भी हैं, जो इस सेगमेंट के अंदर आपको कम ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी है, अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी चाहिए, तो फिर आपके लिए इस सेगमेंट में और भी काफी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक कंफर्टेबल, अच्छी माइलेज वाली और अच्छे लुक्स वाली और एक अच्छे ड्यूरेबल इंजन वाली बाइक लेनी है, तो आप यामाहा की FGX के लिए जा सकते हो। दोस्तों इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड होगी 85-90 किलोमीटर पर आवर के आसपास, सो इस स्पीड पे हम लॉन्ग राइड बड़े आराम से कर सकते हैं, और माइलेज इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। सो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले इंडियन टूलर मार्केट में रेट्रो स्टाइल सेगमेंट के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसका प्राइस कम हो और जो 150,000 के आसपास आता हो, क्योंकि दोस्तों बाकी सभी रेट्रो स्टाइल बाइक्स का एक शोरूम प्राइस 150,000 के आसपास से स्टार्ट होता है और ऑन रोड प्राइस 2,00,000 रुपए के आसपास होता है। सो रेट्रो स्टाइल सेगमेंट के अंदर ये बाइक मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस बाइक के लिए आपको जाना चाहिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।